मलिक भाई, अगर आप स्क्रीन शेयर की इजाजत दें तो आई कैन शेयर माय स्क्रीन एंड सी इफ समवन एल्स कैन हेल्प मी। हाँ जी, अपने आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैंने अलाउ कर दिया। स्वीट, थैंक्स। और आपस में आप जो भी डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर कोई भी, तो वो कर सकते हैं। हम 5 मिनट वेट करेंगे थोड़ा, ताकि लोग कनेक्ट हो जाए, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सलीम भाई, नजर आ रही है। स्वीट। तो मैं सलीम भाई, एक मिस्टेक है, एफ लेसन के बाद ना पोर्ट का पी ना बड़ा होगा। आपने लिखा है ना एफ लेसन के बाद, देखे पोर्ट का पी बड़ा होगा ना। हाँ, मतलब ये तो हमने फॉन्ट बना दिया। सही सही, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम है तो मुझे नहीं लगता वो कोई चीज है। नॉट रॉन्ग। हाँ, ये भी सही है। सही है। तो ये तो भले हो गया, ये भी सेम ही है जो एग्जैक्ट सर का था। ठीक है जी। सलील, आपकी स्टार्ट के स्क्रिप्ट आपने अभी तक सही नहीं की है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी, ये देखो ना, ये लाइन नंबर 8 है ना, आपकी स्क्रिप्ट ये सही नहीं है। भी आएगा डिव और क्लियर भी आएगा क्या? डिव और क्लियर भी आएगा है ना सर? नहीं, स्टार्ट की स्क्रिप्ट में सिर्फ इंडेक्स डॉट एमजीएस थोड़ी लिखना होगा, इसमें नॉट स्पेस इंडेक्स डॉट एमजीएस लिखना होगा ना। ये क्लास कोड भी आप देख सकते हैं इसको मैच करने के लिए। एक मिनट, मैंने ये यहाँ पे नोट। यस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। माय बैड। ये मैंने इसमें भी यही किया था क्या, पैकेट डॉट जेसॉन? अच्छा, इसमें ओके, इसमें सो क्या हो रहा था कि नॉर्डमॉन भी जो आपने लिखा है ना, ये नॉर्डमॉन लोकली तो सही काम करेगा, लेकिन हरिको पे नॉर्डमॉन नहीं चलता। उसके लिए आपको अच्छा, दूसरी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, जो आप क्लास कोड, उसको भी क्लास कोड में आप मैच कर सकते हैं कि मैंने क्या किया उसके लिए। हाँ, लेकिन क्या है कि मैं बाय द वे, अभी मुझे याद आया, नॉर्डमॉन अभी तक मैंने कवर ही नहीं किया क्लास में, राइट? हाँ, नहीं, मैं आपकी लाइक लिजिट लाइक साइड बाय साइड लेके कर रहा था ना, लेकिन हो ही नहीं रहा था। लेकिन ये भी सही है कि क्यों नहीं हो रहा होगा, क्योंकि नोड नहीं लिखा हुआ था मेरे ख्याल से। जी, ऐसा ही है। अब इसको प्लीज करके देखें आप दोबारा, अभी है आपके पास कुछ वक्त है, तो आप इसको दोबारा ट्राई करके देखें हरिको पे, इंशाल्लाह ये चल जाएगा। जी, मैं अभी वही कर रहा हूँ। सो लेट्स जस्ट डू दिस। ये अभी था 3, आई एम गोना गो टू, लेट्स सी। सो ये हम इंडेक्स डॉट एम जी एस खोलते हैं, पैकेज डॉट जे एस ऑन खोलते हैं। सही है, ये हो गया। व्हाट इज माय, ठीक है। तो अब कंट्रोल बैक टेक, वेयर आर वी राइट नाउ? सी दिस, सो वी आर इन द ओके cd.dot.cd.dot.cd.dot.cd branch then 02 cd4 dot. Okay, ठीक है। So I'm doing npm start. No, sorry, npm run install. Let's see this. Okay, what the fuck? Hold on, my bad. I have to go in another thing. See this. CD Heroku server ke andar, first server. Okay. Now npm install. Okay, npm run.
start. सही है, ये चल गया. Now I'm just gonna follow this thing. Module given. तो मैं आप किसी, तो जब भी मैं लैपटॉप को क्लोज से GitHub का वो खुलेगा विंडो वो आपका ना जैसे चेक कर दो. ये मैंने ये वाली तो चीज कर दी थी GitHub के साथ तो कनेक्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ये सीन हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू कमिट दीज चेंजेस. सो इफ आई से समथिंग यू नो लाइक आई से एंटर, आई एम नॉट एबल टू कमिट द होल थिंग. देयर आर स्टिल चेंजेस हियर दैट आर स्टिल पेंडिंग. Git failed to execute git. किसी को पता है ये git का मसला कैसे हल करना है? वो गिट बैश में आपको है ना लॉगिन मतलब करना होगा गिट बैश में जाके. ये हम गिट बैश में अभी आपकी आवाज नहीं आ रही करीबा. अच्छा एक मिनट अच्छा लेकिन मैं यहाँ से टर्मिनल से तो नहीं जाती कभी, मैं तो बाहर से मतलब जाती हूँ ना, जो मतलब फोल्डर होता है ना उसका राइट क्लिक करके ऑप्शन होता है गिट बैश, मुझे अपना फोल्डर का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं क्या? मुझे लग रहा है आपके फोल्डर के स्ट्रक्चर में भी कोई इशू है. हो सकता है. ये देखिए, सो आई जस्ट शो यू इन लाइक ये क्या like file folder kind of thing, like file explorer. So यहाँ पे coding के अंदर यहाँ पे मेरा AI chatbot का ये है. So इसके अंदर this is your work, this is my work. So यहाँ पे मैं आपके चीजें रख रहा हूँ. तो project अभी आप deploy करना चाहते हैं वो project please open की इसमें जाए folder में उस folder में. ये रहा. अच्छा वन या टू. अच्छा ये अच्छा अब यहाँ पे ना. हाँ अब देखें, हमेशा आप प्रोजेक्ट जब भी खोले ना वीएस कोड में आप ये वाली जगह खोलें, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा तो ये देखिए ना ये मैं एग्जैक्टली वही जगह पे जाके मैंने npm स्टार्ट की. नहीं ये आपने असल में ना वीएस कोड में ना पेरेंट फोल्डर खोला हुआ है, तो आपको इससे बहुत दुश्वारी का सामना होगा. ठीक है, जस्ट आप ये जो आपका एड्रेस बार है ना फोल्डर का, इसमें आप क्लिक करें एड्रेस बार पे. सही. यहाँ पे क्लिक करके cmd लिख के एंटर कर दें ताकि यहीं पे cmd खुल जाए. ठीक है खुल गया. खुल गया ये cmd दिखा दे रहा आपको? नहीं दिख रहा है. उस पे आप कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर कर दें अगर CMD खोल गया तो. मुझे दिख रहा है रावा इधर. हाँ ये मेरे ख्याल से वो कुछ Microsoft का होगा, उन्होंने रोका होगा शायद. दिख रहा है अभी? हाँ इसमें आप कोड स्पेस डॉट लिखें ताकि ये वाला फोल्डर आपका जो है ना उस पे ओपन हो जाए. ये खुल गया. ये देखिए मैंने बाजू में खोल दिया अभी. यार ये VS कोड आपका मुख्तलिफ तरह से क्यों खुला हुआ है मेरे समझ में नहीं आया. ये अरे हाँ अब खुल गया ये आपका. दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग ऑफ. ये जो अभी जो खुला हुआ है ना आपके सामने, दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग फॉर. आप हमेशा इस तरह से खोलेंगे ना आपको बहुत आसानी रहेगी. अब आपको क्या क्लिक करना है? सही सोर्स कंट्रोल पे आप आ जाएं. आई थिंक आपके पास दो वीएस कोड खुल चुके हैं आई गेस. मैं इसको बंद कर रहा हूँ. क्या पुराना वाला जो खुला हुआ था उसको आप बंद कर दीजिए. ठीक है
बंद कर दिया। अभी जो हमने खोला था वो कौन सा वाला है इन दोनों में से? ये index.mjs है, हम अभी इसमें है क्या folder in which we are going to deploy the Heroku server from। ये index.mjs फाइल है, ये package.json फाइल है। अच्छा, तो बस अब ये जो चेंजेस आपने किए हैं आपको पुश करना है ना जस्ट गिटहब में इसको? हाँ, बस ये सोर्स कंट्रोल पे आके आप कमिट कर दें सारी चीजों को। इसी में जो सोर्स कंट्रोल बना हुआ है ना 3 जिस पे लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक करें आप। अभी हो गया, अब सही हो गया, अब सही हो गया। अब कोई जब भी आप प्रोजेक्ट खोले ना, आप प्रोजेक्ट की जो वर्किंग डायरेक्टरी जिसको हम कहते हैं ना, उसको आप ओपन करें हमेशा, तो आपका इस तरह से खुलेगा फिर। अच्छा, और अगर आपने पेरेंट डायरेक्टरी खोल ली तो फिर आपको प्रॉब्लम होंगी। सही, GitHub में जाके, सॉरी Heroku पे जाके। अच्छा, ये पुश नहीं हुआ है भाई, देखो ये पुश नहीं हुआ है, ये पुश इसलिए नहीं हुआ है, मैंने ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर। अच्छा, ये पुश हुआ नहीं है, आपको पुश करना पड़ेगा। दोबारा सोर्स कंट्रोल में जाएं, आप दोबारा सोर्स कंट्रोल में जाएं। हाँ, मैं सोर्स कंट्रोल में हूँ, वो 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा जो ऊपर 3 डॉट आ रहा है। अच्छा, आप सोर्स कंट्रोल में नहीं है आई थिंक अभी। अच्छा, मेरे पास आई थिंक स्क्रीन अपडेट देर से हो रही है। आप या तो सिंक चेंजेस का बटन दबा दें और या तो वो 3 डॉट पे क्लिक करके ना पुश का बटन दबा दें। अच्छा, ओके ओके ओके। सो ये मैंने पुश कर दिया है। अच्छा, ये जो बॉटम पे लिखा हुआ है ना मेन के बराबर में, अब पुश हुआ आपका कोड। परफेक्ट, अब आपका कोड पुश हो गया, सही है। अच्छा, अब आप चले जाएं, इस ऑथेंटिकेटर को प्लीज कैंसिल कर दीजिए, ये मत कीजिएगा, ये इससे तंग हो जाएंगे आप। हाँ नहीं, मुझे पता है वो, मैं मेरी अभी रिसेंटली चीजें चेंज हुई थी तो मैंने देखा कि यार कितनी परेशानी होती है अगर फोन के साथ आपकी लाइक बाकी की जिंदगी अटैच होती है तो। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो चुका है। हाँ, ये मैंने ऑटोमेटिकली डिप्लॉय इसका शुरू किया हुआ था बस, लेकिन क्या हो रहा था, और ये होने के बावजूद मुझे आ रही थी लाइक एरर आ रही थी। अब देखते हैं कि ये लाइक चल भी रहा है। ये चल चुका है आपका सर्वर। ओपन ऐप पे क्लिक कीजिएगा। हाँ, चल रहा है, चल रहा है फाइनली, क्योंकि मेरे ख्याल से डिफरेंस ये था कि वो नोड ये नहीं था यहाँ पे, नोड इंडेक्स। अच्छा, ये पूछना था, ये मेन index.js कह रहा है, तो ये हमने तो MJS के नाम से बनाई हुई है, तो इसको अपडेट करनी पड़ेगी। हाँ, असल में ये मेन अभी ना मैटर नहीं कर रहा, ये अगर हम लाइब्रेरी लिख रहे होते हैं ना तो ये मैटर कर रहा होता है फिर उस केस में। अभी ये फिलहाल मैटर नहीं कर रहा। हाँ, इसको आप MJS करना चाहे तो कर दें, बट ये अभी फिलहाल मैटर नहीं कर रहा। अगर हम लाइब्रेरी लिख रहे होते NPM के स्टोर पे पब्लिश करने के लिए तो ये फिर मैटर करता, क्योंकि वो फिर इस नाम इस फाइल को ना सबसे पहले रन कर रहा होता है जब भी कोई इसको NPM के थ्रू इंस्टॉल करेगा। बट अभी हम NPM पे इसको पब्लिश नहीं कर रहे, अभी तो हम इसको Heroku पे लगा रहे हैं अपना खुद का सर्वर बनाकर। सही, तो ये एसेंशियली काइंड ऑफ बन गया है कि देखो आप ही आपके यहाँ पे अपडेट होके दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता। आपकी स्क्रीन थोड़ी देर में अपडेट हो रही है, बट हो रही है अपडेट, सब कुछ आ रहा है मेरे पास। अच्छा, हाँ आ रहा है ना, तो मैंने क्या दिखाया, एपी दिखाया, सैलड दिखाया, मेन कोर्स दिखाया, ड्रिंक दिखाया और डिजर्ट, बाकी कुछ नहीं है हमारा। बट लास्ट असाइनमेंट ये तो नहीं था। हाँ, ये इसके आगे पहुंचा ही कहाँ पे मैं दोस्त यहाँ पे अटक के मैं फंस गया था, दिमाग का दही हो गया यार कि लाइक। और मुझे ओवेस भाई ने बताया कि वो आप ये करें क्या, नोड डॉट ये करें,
index.mjs. तो मैं इसके लिए मैंने यहाँ पे भी चेंज करने anyways I faced a lot of dumbassery from because of my own doing लेकिन उसके वजह से आगे पहुँच ही नहीं पाए. Okay, good. अच्छा तो भाइयों, बाकी लोग असाइनमेंट जो दिया था लास्ट, प्लीज अपने अपने लिंक शेयर करें. किसी ने भी अगर असाइनमेंट बना लिया तो प्लीज अपना लिंक शेयर कर दे असाइनमेंट का, ताकि हम देखें यहां पर कि किसी से बन पाया या नहीं बन पाया. अच्छा अरीबा, काइंडली आप रिपीट कर सकती हैं कि लास्ट मैंने असाइनमेंट क्या दिया था, ताकि सब लोगों को पता चल जाए अगर कोई नहीं भी था लास्ट क्लास में. तो सर आपने HTML का वो मतलब पेज दिया था और उसको जो है हमें कनेक्ट करना था, और मतलब एक्सप्रेस की भी हमें जैसे हमने ये बनाई थी ना 3000 पोस्ट पे हमने बनाई थी, तो यूजर कुछ भी मतलब पोस्ट करे तो वो जाकर हमें जो है हीरोकु के सर्वर पे जाकर मतलब दिखाए. और इसके अलावा ये पोस्टमैन में भी मतलब जैसे आपने दिखाया था ना पोस्ट जीरो, तो दिखा रहा था जैसे HTML के पेज पे. तो ये चीज HTML पे कनेक्ट करनी थी कि एक पेज बना वो, उसमें मैं आगे लिखूं स्टूडेंट का नाम, वो ऐड हो जाए, अब पोस्ट करूं ऐड हो जाए, फिर मुझे दिखना शुरू हो जाए वो पोस्ट. ठीक है, ये इतना सा छोटा सा बिल्कुल काम था. तो अगर किसी से ये हो गया है तो वो प्लीज बताए. अच्छा, या एटलीस्ट जो लास्ट मैंने क्लास में कोड लिखा था, अगर वो किसी ने रन कर लिया है, लास्ट क्लास में मैंने जो कोड लिखा था, अगर वो एटलीस्ट उतना किसी ने रन कर लिया है और हरिको पे डिप्लॉय कर चुका है, तो उतना ही लिंक प्लीज शेयर कर दें ताकि हम वो देख सकें. अदरवाइज मैं समझूंगा कि सारे किसी को भी कोई समझ नहीं आया. यार समझ आई थी बात, लेकिन इतने I got so frustrated by not being able to do it that I just gave up on it. मैंने बहुत सर पीटा, नहीं हुआ तो मैंने कहा यार जाने दो, बाद में जब किसी का रब्ता होगी तब पता चलेगा कि क्या मैं गलत हूँ. अच्छा जी, एक हमारे दोस्त हैं असदुर रहमान, उन्होंने तो ये भेज दिया है अपना लिंक. जो लास्ट क्लास का कोड था उन्होंने इसको बना लिया है और उसको हरिको पे डिप्लॉय कर लिया. मैंने इसको चेक भी कर लिया, बिल्कुल सही चल रहा है. तो सिर्फ एक दोस्त ने बनाया है. अच्छा सलील, और बाकी लोगों से भी कह रहा हूँ, सिर्फ सलील से नहीं कह रहा, कि देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक ये है कि आपने हार नहीं माननी है. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. दिस इज ऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आस्क. मतलब कंसिस्ट, वो एक बड़ी मशहूर मूवी है ना, क्या अराबिया करके नाम है उसका, तो लॉरेंस ऑफ अराबिया ऐसा करके. राइट. तो उसमें वो एक डायलॉग बोलता है बड़ा अच्छा ना, वो उसमें दिखाते हैं फौजी होता है, वो माचिस जलाता है और उसको वो हाथ से यूं दबा के बंद करता है, यूं दबा के ना बंद करता है, फूक नहीं मारता, क्योंकि फूक मारने में कुछ लोगों के वो वहम वगैरह होता है ये हो जाएगा, तो वो उसको हाथ से दबा के बंद करता है. तो वो ट्रिक मशहूर होती है फौजियों में आपस में ना. तो उससे लेफ्टिनेंट पूछता है कि यार ये दर्द नहीं होता तुझे, कैसे कर लेता है? तो कहता है कि भाई दर्द तो होता है, लेकिन जो है ना, वो बड़ा मशहूर उसका डायलॉग है कि द ट्रिक मिस्टर लॉरेंस इज नॉट टू फील इट हर्ट्स, जो भी बंदे का नाम होता है. तो द ट्रिक मिस्टर डेविड इज नॉट टू फील इट हर्ट्स. It is a mind game. I agree. तो दर्द तो होता है भाई, दर्द तो सबको होता है, ठीक है ना, लेकिन बात यह है कि वो एडजस्ट करना पड़ता है. मेरे साथ कई दफा होता है ऐसा कि मैं कभी कभी 8-8 घंटे कंटिन्यूसली बैठ जाता हूँ किसी मसले में और कुछ नहीं हो पाता, लेकिन फिर क्या होता है कि थक हार के सो जाता हूँ, फिर अगले दिन सुबह उठ के दोबारा से. Yes. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अगले दिन हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अगले दिन भी नहीं होता,
ठीक है, फिर स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेश्चन वेश्चन डालते हैं, तो फिर ये नहीं कि लगे रहना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई दूसरा, कि अगर आप क्लाइंट आपसे कह रहा है कि यार ये काम उसको चाहिए और आपको पता भी है कि ये पॉसिबल है, दूसरे लोग कर चुके हैं ये काम, तो एग्जैक्टली बट आपसे नहीं हो रहा, तो बस कुछ ना कुछ करके फिर करना होता है, तो दिस इज द ट्रिक। डेफिनेटली इट इज अ डिटरमिनेशन गेम, बट आई एम ग्लैड दैट आई हैव द सपोर्ट सिस्टम बिकॉज ऑफ यू एंड द क्लास, क्योंकि अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, मैं अकेले से पढ़ रहा होता तो शायद होता ही नहीं। अच्छा, तो अब मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ और आप लोगों से तो नहीं बन पाया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है ना बना के वो चीज़ दिखा दूँ आप लोगों को। अच्छा, एक और भी बात है, एक तो ये होता है कि आपने ट्राई किया आपसे बना नहीं, मुझे लग रहा है हमारे पास अभी क्लास में वो वाला केस नहीं है, हमारे पास अभी क्लास में जो केस है वो ये है कि ट्राई नहीं कर पाए सारे लोग, आई थिंक ये वाला केस है जो सलील ने तो खैर खुद ही बता दिया कि उन्होंने ट्राई नहीं कर पाए वो अभी तक। बाकी लोगों से भी मेरा ये सवाल है कि जनाब अगर अगर तो ऐसा केस है कि आपने ट्राई किया और आपसे वो हुआ नहीं, ठीक है, तो ये दिस इज अ केस। दूसरा केस ये है कि आपने ट्राई ही नहीं किया, एक ये भी केस हो सकता है। तो अगर तो किसी ने ट्राई किया है, जैसे सलील को अभी प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्होंने स्क्रीन शेयर किया, इस तरह आप मुझसे स्क्रीन शेयर करके अभी पूछ सकते हैं कि सर हमने ये किया बट हमसे हो नहीं रहा था, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बट अगर आपने ट्राई नहीं किया तो अब इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं आज के कंटेंट के लिए रेडी हूँ, मैंने आगे सोचा हुआ है कि मैंने क्या करना है और मैं रेडी हूँ उसके लिए, बट अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हर किसी की अपनी मसरूफियात होती हैं, आपको वक्त नहीं मिल पाया होगा, और चूंकि किसी ने भी ट्राई नहीं किया, एक दोस्त ने भेजा भी है बट उनका जो लास्ट क्लास वाला कोड था वो उन्होंने भेजा है, तो मैं उनके लिए भी यही एज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने भी ट्राई नहीं किया, तो नहीं प्लीज सर, मुझे बताएं मैंने किया था, आपने मैंने किया किया था था। मैं ट्राई। ये समझ मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि एचटीएमएल से लिंक कैसे करेंगे। अगर आप केस देखें, वही है जो आपने जो लास्ट क्लास में कोर्स था, तो मैं वहां पर डिप्लॉय कर चुका हूँ, लेकिन मुझे एचटीएमएल पे कनेक्ट करना नहीं आ रहा। HTML में एक्सियोस से आप हिट करेंगे ना, आपको हरिको का URL मिल गया, वो हरिको का URL आप जैसे वेदर की API कॉल करते थे ना, आप वेदर ऐप हम बना चुके हैं पहले, तो वेदर की API जो हम कॉल करते थे वहां से डेटा आता था, वो सर्वर किसका था, वो ओपन वेदर API वालों का सर्वर था। ये सर्वर किसका है, अब ये हमारा खुद का लिखा हुआ सर्वर है और हरिको पे चल रहे हैं, तो अब इसका URL आप हिट करेंगे तो जो डेटा आपने सर्वर से रिटर्न किया होगा वो आपको मिलेगा, सिंपल है, ठीक है। आप को इनपुट उठाना आता है, हम शुरू में ये डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये होता है कि आप इनपुट लेते हैं यूजर से, उसको प्रोसेस करते हैं, अब उस प्रोसेसिंग में कुछ भी हो सकता है, दो वैल्यू को प्लस करना या उसको उठा के सर्वर पे भेजना, सर्वर से रिस्पॉन्स, उसको प्रोसेस करते हैं सम वे एंड देन यू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स, ठीक है, वट एवर इज योर कंप्यूटेशन, वट एवर इज योर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करके आप उसको आउटपुट देते हैं, तो इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, दिस इज द यानी कि बिग पिक्चर ऑफ एनी सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, एनी सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, दिस इज द बिग पिक्चर, कि इनपुट लेगा वो प्रोसेस करेगा आउटपुट दिखा देगा, ठीक है। तो तो इसमें जैसे जेसन को कैसे भेजेंगे आगे, क्योंकि जेसन को कैसे भेजेंगे, हमने वहां पोस्टमैन से तो जेसन भेजा था, तो और रिसीव हो रहा होगा, तो रिसीव में भी कैसे होगा, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का बैकग्राउंड नहीं है ना उसके लिए थोड़ा हम सा। देखें एग्जॉस हम पढ़ चुके हैं ना एक दफा, जी, एग्जॉस्ट एग्जॉस पढ़ा था। कि हम चलते हैं एग्जॉस की लाइब्रेरी में और देखते हैं कि वहां उन्होंने कैसे बताया हुआ है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। पोस्ट की रिक्वेस्ट हमें करनी है ना, गेट की रिक्वेस्ट तो सिंपल है, उसमें तो कुछ भी नहीं भेजना हमें, पोस्ट की रिक्वेस्ट हम देखना चाह रहे हैं, पोस्ट की रिक्वेस्ट में बॉडी कैसे भेजना है, ये देखें इन्होंने गेट की ना परफॉर्मिंग गेट रिक्वेस्ट, ये इन्होंने एग्जाम्पल बनाकर दिखाई है कि भाई एग्जॉस डॉट गेट, यहाँ पे आप यू आर एल लिखो, इन्होंने आधा यू आर एल लिखा है, हम पूरा लिखेंगे, सही है, ये हो गुड, गया। उसके बाद अब ये परफॉर्मिंग पोस्ट रिक्वेस्ट, ये आ गया परफॉर्मिंग पोस्ट रिक्वेस्ट, आपने अगर ये डॉक्यूमेंट एक दफा भी खोला होता ना तो देखें इन्होंने जेसन ही एग्जाम्पल में बताया था, ओके। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जेसन भेजेंगे, बिल्कुल आसान है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले नहीं खोला अब खोल लिया, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मैं अब ये चाहता हूँ, प्लीज आप सब लोग इस पे मुझे मुझे बताएं कि आप सब लोग इस पे एग्री हैं या नहीं, अभी इस वक्त आप ब्रेकआउट रूम्स बना लें अपने,
ठीक है, आज का मैं मजीद कंटेंट आगे मैं कैंसिल कर रहा हूँ आज के लिए, मतलब इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे यहाँ से आगे। अभी आप अपने ब्रेकआउट रूम्स बना लें, 15 लोग हमारे पास मौजूद हैं, 3 रूम बना लेते हैं और तीनों रूम में 5-5 लोग मिल के उसको बनाएं आप, ठीक है, मिल के बनाएं। एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर कर ले और बाकी बंदे उसको देखें, डिस्कस करें कैसे करना है, कैसे कोड लिखना है, ठीक है। एक बंदा कोड लिखे, बाकी बंदे उसको बताएं, उसको देखें कि वो क्या हो रहा है। सही है? सही जी। मोहम्मद हमजा कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आप एक दफा असाइनमेंट रिपीट कर देंगे? जी, असाइनमेंट मैं रिपीट भी कर देता हूँ और मैं लिख के भी दे देता हूँ। असाइनमेंट ये है कि लास्ट क्लास में मैंने एक एपीआई लिखी थी, उस एपीआई में तो कोई चेंज नहीं करना, सही है, उस एपीआई में कोई भी चेंज नहीं करना, वो तो बनी हुई है बिल्कुल। उसमें गेट और पोस्ट दो तरह की एपीआई बना चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, वो क्या होता है, उसमें कोई फेसबुक टाइप की पोस्ट आप करते हैं, सर्वर पे भेज देते हैं आप उसको, वो चली जाती है सर्वर पे, उसके बाद उसको गेट करते हैं आप तो वो वापस मिल जाती है आपको, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि इतना क्लास का कोड आप अपने पास रन करेंगे, उसको हरिको पे डिप्लॉय करेंगे, सही है, सर्वर आपका रेडी हो गया। दूसरी बात, उतना कोड जो है आप जब सर्वर पर डिप्लॉय कर लेंगे, उसके बाद आपको एक HTML का पेज बनाना है, HTML के पेज से उस सर्वर को हिट करना है आपने। क्या क्या करना है? दोनों API को हिट करना है, एक गेट एक पोस्ट, दोनों API बनाई है हमने, दोनों API को हिट करना है। बंदा कुछ लिखेगा उस HTML के पेज पे, लिख के पोस्ट का बटन प्रेस करेगा तो वो सर्वर पे पहुंच जाना चाहिए, किसके जरिए? पोस्ट की API के जरिए। फिर बंदा पेज को रिफ्रेश करेगा तो वो जितनी भी पोस्ट सर्वर पे मौजूद है वो गेट की रिक्वेस्ट लगनी चाहिए एक, ठीक है ना, पेज जैसे ही लोड हो या एक बटन हो गेट ऑल पोस्ट, वो बटन प्रेस करे तो सारी पोस्ट सर्वर से आ जाए और आके नीचे डिस्प्ले हो जाए लिस्ट उसकी। इतनी सी बात है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है, सबको समझ में आ गया सर? क्या है असाइनमेंट सर? इसमें जो HTML का पेज बनेगा तो इसमें हम जो वो टैग यूज करेंगे उसमें वो फॉर्म का टैग यूज करेंगे, फॉर्म के अंदर जो है वो फिर हम पोस्ट और गेट यूज करेंगे। लेकिन चाहे नहीं चाहे तो आप, मैंने जो तरीका बताया था HTML के पेज से हिट करने का वो कैसे बताया था, अगर आपको याद हो तो प्लीज रिमाइंड करवाएं मुझे, या मैं कोड में खुद ही देख लेता हूँ कि मैंने क्या तरीका बताया था। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने जो है वो ऑन क्लिक वाला तरीका बताया था सर, लेकिन वो तो जब हम सारे HTML टैग्स के टॉप लेवल पर जब हम फॉर्म लेते हैं तो उसके अंदर फिर हम गेट और पोस्ट यूज करते हैं ना। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, रिपीट कर देंगे आप प्लीज अपना सवाल? आप अपना सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि HTML टैग्स के, हाँ बोले बोले सर, थोड़ी इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि HTML जो टैग्स हमारा हम यूज करते हैं उसके टॉप लेवल पे जो हम फॉर्म का टैग यूज करते हैं उसी तरीके से यूज करते हुए हमें गेट और पोस्ट करना है या कोई और तरीका भी है? अच्छा, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो तरीका मैंने बताया था, देखें गेट पोस्ट करने के ना दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि फॉर्म के ऊपर ही आप मेथड बता देते हैं और एक्शन बता देते हैं, ये तरीका वैलिड है, लेकिन ये तरीका आउट ऑफ डेट हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो हम ये तरीका हमने यहाँ पे नहीं कवर किया था क्लास में, ठीक है। हमने एक नया तरीका डिस्कवर किया था, ठीक है, कि हम फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट का एक फंक्शन लगाते थे, ठीक है, कि जब भी फॉर्म सबमिट हो तो वो फंक्शन रन हो, राइट, वो फंक्शन रन हो और उस फंक्शन के अंदर हम एक्सियोस की लाइब्रेरी के जरिए रिक्वेस्ट करते थे इंटरनेट पे और रिस्पांस जब आता था डॉट देन में तो उसको फिर स्क्रीन पे हम डिस्प्ले करवाते थे। ये हमने तरीका डिस्कवर किया था और अगर मैं अभी वो वही कोड में ढूंढ रहा था, स्क्रीन आई थिंक मैंने शेयरिंग बंद कर दी, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ और मैं वो कोड भी जो है ना देख लेता हूँ कि हमने लॉजिक इन वेदर ऐप, राइट, यही था ना लॉजिक इन वेदर ऐप, ये वाली ऐप हमने जब बनाई थी तो इसमें हमने वो चीज़ डिस्कवर की थी, ठीक है। थिंक के नाम से देखें, ये फंक्शन एक बना हुआ है, सही है, ये फंक्शन एक बना हुआ है थिंक के नाम से। अब तो माशाल्लाह फंक्शन वगैरह हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं अब, ठीक है। मेरे पास क्या था, ऊपर एक इनपुट का बटन था, उसके बाद क्या था, एक बटन था, इसमें ऑन क्लिक पे क्या लगा हुआ था, थिंक लगा हुआ था,
ठीक है, थिंक जैसे ही इस बटन को प्रेस करते हैं तो थिंक क्लिक हो जाता है। अच्छा इसमें फॉर्म यूज नहीं हुआ है, लेकिन मुझे याद है किसी ना किसी क्लास में मैंने फॉर्म भी यूज करके दिखाया है, ठीक है, कि फॉर्म के ऑन सबमिट के ऊपर जो है ये रहा फॉर्म ऑन सबमिट, क्लास 12 के कोड में अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म और ऑन सबमिट पे ये जनरेट टेबल के नाम से फंक्शन है, ठीक है, और ये रिटर्न फॉल्स भी इसके ऊपर लगाया है ताकि ये फॉर्म सबमिट करने पे पेज रिफ्रेश ना हो। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, जो भी आपको मैं बनाने के लिए कह रहा हूँ ये सब चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, आपको जस्ट इन्हीं लॉजिक्स को रीयूज करना है, बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ना है आपस में और चीज तैयार हो जाएगी। तो ये देखें आप, फॉर्म है, इसमें एक इनपुट, दो इनपुट और एक अदद सबमिट का बटन। सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये जनरेट टेबल का जो फंक्शन है जो कि ऑन सबमिट पर लगा हुआ ये चल पड़ेगा। अब जनरेट टेबल के अंदर क्या हो रहा है, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, और लास्ट में स्क्रीन पे चीज डिस्प्ले हो जा रही है, ठीक है। लास्ट में क्या हो रहा है, स्क्रीन पे चीज डिस्प्ले हो जा रही है। आपको डिस्प्ले करवाना आता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट, डिस्प्ले हो गई चीज। तो ये काम करना है जी। जी दोस्त मोहम्मद हमजा फारूक। सर मैं जहाँ तक ये समझाऊँ कि यूजर ऐड होते जाएंगे और जब हम गेट करेंगे तो जितने भी यूजर ऐड होंगे तो उसको एक टेबल में शो करवाना है, एचटीएमएल पेज पे। हाँ कुछ भी आप कह सकते हैं, डेटा ऐड होता जा रहा है, यूजर तो नहीं, डेटा ऐड होता जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं लास्ट क्लास का कोड आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक लोकल वेरिएबल मौजूद है पोस्ट के नाम से, जो कि एक एरे है, ठीक है। ये पहली पोस्ट है, सम पोस्ट 0, सम पोस्ट 1, सम पोस्ट 2, ठीक है। अब गेट के जरिए ये पूरी पोस्ट भी एक साथ भी गेट कर सकते हैं, अलग अलग भी गेट कर सकते हैं, पोस्ट स्लैश पोस्ट का नंबर तो वो भी गेट हो सकता है, ठीक है। गेट की दो एपीआई हमने बनाई है, एक सारा पोस्ट, सारी पोस्ट गेट करने के लिए और एक सिंगल पोस्ट गेट करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद ये पोस्ट को सर्वर पे भेजने के लिए, ठीक है, यानी पोस्ट की पोस्ट एपीआई ये हमने बनाई है। तो इन ये इतनी जो दो एपीआई यानी बनी हुई है ना, एक गेट की एक पोस्ट की, इन ऊपर वाले इन दोनों को मैं एक काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों एपीआई को जस्ट इस्तेमाल करना है आपने, एचटीएमएल के पेज से कनेक्ट करना है, इतना सा काम है सिर्फ, ठीक है। मेरा ख्याल है गुड इनफ हो गया, सब लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि क्या है हमें चीज बनानी है, और ये भी क्लियर हो गया है कि कोई नई चीज हम नहीं बना रहे यहाँ पे, हम जो चीजें पहले कर चुके हैं, पहले हम वेदर एपीआई का सर्वर कॉल करते थे, अब हम अपना खुद का सर्वर कॉल कर रहे हैं। सर व्हाट इज बॉडी पार्सर? अच्छा जी, बॉडी पार्सर जो है ना वो अच्छा, यस सर आई डिडंट ट्राई बट अच्छा, एक दोस्त ने सवाल किया है व्हाट इज बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर जो है ना जनाब, वो एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जो कि अब आउट ऑफ डेट हो चुकी है, उसकी जगह पे ना अब ये हम इस्तेमाल करते हैं express.json, ठीक है, वो अब आउट ऑफ डेट हो चुकी है, वो अब इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। वो किस लिए होता है कि जब पोस्ट के अंदर बॉडी में कोई चीज आती है ना, तो जब बॉडी में कोई चीज भेजी जाती है पोस्ट में, तो उसको इनकोडेड फॉर्म में होती है, उसको थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ता है, पार्स करना पड़ता है, तो ये उसके काम आता है। हमें बहरहाल उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह लगा देने से हमारा काम हो जाता है, ठीक है, तो ज्यादा कोई मसले की बात नहीं है। आज की क्लास में बहुत कम लोग हैं सर, हाँ पीएसएल हो रहा है, बहुत सारे लोगों को पीएसएल देखना है, तो खैर जिनको पीएसएल देखना है हमें उनकी जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे भाई कोई काम धंधा करेंगे, कोई सीखेंगे चीज, पैसे वैसे कमाने की बात करेंगे, जिनको पीएसएल देखना है वो देखें, हम उनको मना भी नहीं करते। अच्छा इस कोड में मैं छोटी सी एक चीज और लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मुझे पता है जब आप लोग उस असाइनमेंट बनाएंगे तो आपको वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो मैं छोटी सी एक चीज लगा देता हूँ ताकि असाइनमेंट आपका जो है ना क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए। अब ये भी मेरा ख्याल था कि जब आप ये बनाते हैं तो आप ये चीज इस मसले में जाते आप सीखते आप, लेकिन खैर ठीक है। ये सर्वर में छोटा सा मैं कोड ऐड कर रहा हूँ, और वो क्या ऐड कर रहा हूँ मैं कोड, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं कोर्स के नाम से, ठीक है, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हूँ कोर्स के नाम से, और उसको मैं ऊपर रिक्वायर कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने कोर्स को रिक्वायर किया, दो से तीन लाइन का कोड ऐड होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये पुराना है सिंटैक्स, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इम्पोर्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, इम्पोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है, नया वाला सिंटैक्स लिख दिया मैंने क्योंकि वो पुराने सिंटैक्स में था। उसके बाद इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या तरीका है, ये तरीका है, बस खत्म बात, छोटा सा चुनना सा तरीका है। ये मैंने एक लाइन और दो लाइन, ये दो लाइनों का कोड ऐड किया है, ये जस्ट अभी इसको फिलहाल आप बगैर इस चीज के अंदर जाए कि ये क्या काम कर रहा है, ये लाइन ऑफ कोड, ये लाइन ऑफ कोड अपने ऐड करें आप सर्वर पे, उसके बगैर क्या होगा, वो आपको क्रॉस ऑरिजिन का ना एक एरर देता रहेगा,
तो फिर हम इंशाल्लाह जब कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास तो हम इन दो लाइनों को भी समझ लेंगे कि ये दो लाइनें क्या काम करती हैं। ठीक है, ये असल में गूगल क्रोम का एक सिक्योरिटी फीचर है, तो उसके लिए हमें ये लाइब्रेरी छोटी सी लगानी पड़ती है। ठीक है, पोस्टमैन पे आपको वो एरर नहीं देगा, क्योंकि लास्ट मैंने पोस्टमैन से चलाया था तो पोस्टमैन पे वो एरर नहीं आएगा, बट गूगल क्रोम से अगर आप करेंगे ना तो वो आपको एक सिक्योरिटी का छोटा सा एरर देगा, जिसके लिए हमने ये चीज लगाई है यहाँ पर। ठीक है जी, और ये कोड मैं इतना कमिट भी कर देता हूँ। ठीक है, कोर्स एडिट। और जी अब आप लोग जो है दो लोग हमारे पास जो है कोहोस्ट है, अरीबा और सलील, इन दोनों को मैंने कोहोस्ट बनाया हुआ है। तो सलील, मेरा ख्याल है कि आप एक रूम में आप चले जाएं और मैं बल्कि रूम खुद ही बना देता हूँ। अच्छा, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अब अच्छा, रैंडमली ही असाइन कर देता हूँ मैं रूम, वो ज्यादा सही रहेगा ना, रैंडमली असाइन कर देता हूँ, रैंडमली ज्यादा सही रहेगा आई थिंक। ओके, स्टॉप शेयर। सर जी दोस्त, सर ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐड करने है ना, एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट, हाँ जी, एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो ऐड करने ना जब पोस्ट करेंगे हम। सॉरी, ये मैं बात समझा नहीं आपकी। सर जब भी कोई हम पोस्ट करेंगे तो एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ऐड होते जाएंगे ना। हाँ, एरे के अंदर ऐड होते चले जाएंगे until and unless कि आपका सर्वर रीस्टार्ट नहीं हो जाता। रीस्टार्ट होगा तो वो दोबारा से पहली जगह, पहले से पहला जैसा बन जाएगा। जी सही है जी। तो ये मैं आपके और जब हम जी तीन रूम्स बना रहा हूँ और सारे आप लोग ना प्लीज ये जो असाइनमेंट दिया गया है आपको ये कंप्लीट करें, क्योंकि अगर इसको किए बगैर हम अगर आगे बढ़ जाते हैं तो आगे की चीजें ना आप समझ में नहीं आएंगी आपको। तो ये टाइम आपने निकाला हुआ है, स्पेयर किया हुआ है क्लास के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये स्पेयर किया हुआ टाइम एटलीस्ट आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लें अपने हाथों से। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद। ठीक है जी, चलें ज्वाइन कर लें अपने अपने रूम्स आप।